थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्मल बोले तो हीट यानी कि यहां पर हम कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हीट से रिलेटेड है और हीट और टेम्परेचर के बारे में तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं राइट हीट क्या होता है एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी भी दो सिस्टम्स के बीच में ट्रांसफर होता है या फिर एक सिस्टम और उसके सराउंडिंग्स के बीच में ट्रांसफर होता है कब जब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो लेट लेटर सपोज कि मेरे हाथ में ये गर्म चाय का कप है ठीक है अगर मैं इसे हाथ से टच करूं तो मुझे गर्म लगेगा राइट मुझे गर्म क्यों लग रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है इस कप में जो चाय है वो गर्म है तो इस कप का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर ज्यादा है जब मैं इसे टच कर रही हूं तो हीट कहाँ से कहां फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तो एज अ रिजल्ट हीट का फ्लो इस कप से मेरे हाथ में होगा तो यानी कि मेरे हाथ में हीट का फ्लो हो रहा होगा हीट आ रही है तो ही बात है आई फील हॉट राइट तो इसीलिए मुझे गर्म फील हो रहा है अब बात अगर हम करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर क्या होता है अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसका जो मेजरमेंट है वो हम किसके हेल्प से करते हैं टेम्परेचर के हेल्प से तो अब यूनिट्स के बारे में हम प्रिटिश और कि आप सभी को पता ही होगा हीट के यूनिट्स कौन से होते हैं काफ़ी सारे यूनिट्स हम यूज करते हैं जैसे कि कैलोरी किलो कैलोरी लेकिन जो ऐसाई SI यूनिट होता है वो होता है जूल और वहीं अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हम तीन टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन। बट यहां पर भी अगर हम एस आई यूनिट की बात करें तो वो है केल्विन। अब इन ये सारी चीजें तो बेसिक्स हैं तो ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता ही है तो चलो आगे बढ़ाते हैं हम अपनी कहानी को तो आज हमारी कहानी की शुरुआत होगी विथ थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन थर्मल बोले तो हीट से एक्सपेंशन बोले तो एक्सपैंड होना मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट से एक्सपैंड हो रहा है मतलब बढ़ रहा है बड़ा हो रहा है ठीक है चलो इसकी शुरुआत थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में करते हैं लेट्स परफॉर्म सम वेरी वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें करके देखते हैं डेमो करके देखते हैं जो अगर चाहो तो आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो और इन एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से हम ये देखेंगे कि चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो ये सारे के सारे जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड करते हैं तो चलो देखें तो बच्चों चलो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपैनशन इन सॉलिड्स की सॉलिड्स के नाम पे मैंने यूज किया है ये एक मेटल का पीस विच इज लाइक अ मेटल ठीक है? है? है और मैंने मैंने क्या किया है? मैंने लिया है एक डब्बा जिसका मेटल का लीड है ठीक है ध्यान देना है ये लीड जो है ढक्कन जो है, वो मेटल का होना चाहिए क्योंकि अगर आप प्लास्टिक वाला ले लोगे, तो दिक्कत आएगा बाद में जब हम इसे गर्म करके इसमें डालेंगे तो प्लास्टिक पिघल जाएगा और मैंने क्या किया है मैंने यहां पर एक स्लिट बनाया है जैसे आपके पिगी बैंक में होता है एग्जैक्टली exactly वैसे बट कीपिंग इन माइंड कि ये जो मैं कॉइन यूज कर रही हूँ जो भी मेटल का पीस मैंने यूज किया है इसका जो थिकनेस है एग्जैक्टली exactly उसी नाप का ये बनाया है ताकि जब मैं इसे अंदर डालू तो ये आराम से अंदर चला जाए राइट अब मैं क्या करूंगी अब मैं इसी कॉइन को बाहर निकालूंगी और इसे करूंगी गर्म तो चलो करें तो इसे हम सफिशियंटली कर लेंगे हीट क्योंकि जब ये अच्छे से गर्म होगा तभी ये अच्छे से एक्सपैंड होगा तो अब मेरा कॉइन हो चुका है गर्म और मैं क्या करूंगी अब मैं इसे फिर से इस होल के अंदर से डालूंगी अंदर बट अब हो क्या रहा है अब तो कुछ और ही हो रहा है हालांकि वही कॉइन है हालांकि वही डब्बा है वही स्लिट है बट आप देखो ये तो यहां अटक गया ये तो अंदर जा ही नहीं रहा है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि सॉलिड यानी कि ये जो कॉइन था मेरा ये जो मेटल था ये एक्सपैंड कर गया जब मैंने इसे गर्म किया सो दिस शोज सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग तो बच्चों अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन इन गैसेस इसके लिए मैंने यूज किया है ये बॉटल जिसके ऊपर एक बलून फिट कर दिया है ठीक है और मैंने क्या लिया है ये दो वेसल के अंदर है आइस कोल्ड वाटर ठीक है water, तो देखो जब मैं इस बॉटल को डालती हूं गर्म पानी में तो क्या होता है बलून पे ध्यान रखो द बलून इन देखो बलून खुद से इन्फ्लेट हो गया कैसे बिकॉज गैस जो है वो एक्सपैंड हो गया ऑन हीटिंग अब सबसे मजेदार चीज हम ये देखेंगे कि इस inflated balloon को जैसे ही हम ठंडे पानी में डाल देते हैं बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर है तब देखो क्या होता है ले ये तो पिचक गया राइट सो दिस शोज कि गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग और जब हम उन्हें कूल कर देते हैं सो दे कॉन्ट्रैक्ट तो चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं लिक्विड का एक्सपेंशन तो इसके लिए हमने बनाया है ये सेटअप जिसके अंदर हमने यूज किया है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर जो कि दिख रहा है आपको अपने सामने एंड हमेशा की तरह सेटअप बनाने के काम तो बिटिया रानी के खिलौने ही आते हैं राइट तो फिलहाल सबकी नजर होनी चाहिए मरकरी के लेवल पर जो कि आपको ब्लैक लाइन से दिख रही होगी फिलहाल थर्मोमीटर का लेवल अब हम क्या करेंगे इसे हीट करेंगे कैसे हीट करेंगे अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है ग्लास का वेसल इसमें मैं डालूंगी गर्म पानी ध्यान से देखते रहो मरकरी के लेवल को एंड वट डू वी सी हम देख रहे हैं कि जो लेवल है वो यू ऊपर बढ़ता चला जा रहा है एंड वाई इज दैट हीटेड तो मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या देखने को मिला इन एक्सपेरिमेंट से मजा तो आया होगा आई एम श्योर और चाहो तो आप भी ना ट्राई करो अपने घर पर तो हमने क्या देखा थर्मल एक्सपेंशन होते हुए देखा सॉलिड्स में लिक्विड्स में गैसेस में तो कैसे डिफाइन करोगे थर्मल एक्सपेंशन को इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉडी के जो डायमेंशन है उसकी लेंथ हाइट जो भी है वो सारी चीजें भी बढ़ रही है एज अ रिजल्ट बॉडी ओवरऑल एक्सपैंड कर रहा है तो उसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ठीक उस तरीके से अगर आप किसी बॉडी को ठंडा करोगे कूल करोगे तो क्या होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसे हम क्या कहते हैं नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन अब सबसे अहम सवाल वॉट कॉजे थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है वेल well, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करने लगते हैं और जब वो मूव करने लगते हैं जब वो ऐसे छटपटाने लगते हैं तो होता क्या है वो आपस में ग्रेटर एवरेज डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और उसी की वजह से वो ज़्यादा जगह ले लेते हैं तो क्या होता है ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है या फिर उसे हम कहते हैं कि उसका एक्सपेंशन हो जाता है छोटा सा एग्जाम्पल दो लेटेस्ट है हम बात करते हैं सॉलिड्स की

तो उसे ही हम कहते हैं कि वॉल्यूम बढ़ जाता है वो ज्यादा स्पेस घिरने लगते हैं तो एज अ रिजल्ट जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट है उसका एक्सपेंशन हो जाता है ठीक है एक इसके बहुत सारे आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इनफैक्ट सॉलिड के एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं आप अगर कभी नोटिस किया है तो रेलवे ट्रैक्स के अंदर ना आप देखोगे कि बीच में गैप्स दिए हुए होते हैं क्यों क्योंकि वो ट्रैक्स किससे बने होते हैं मेटल्स से और मेटल्स में भी एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है तो हो सकता है कि दिन में जब सूरज की धूप उस पर पड़ती है तो वो हीटअप हो जाता है और हीट अप होने से क्या होगा एक्सपैंड होगा एक्सपैंड होगा तो उसे जगह चाहिए होगी भैया एक्सपैंड होने के लिए है कि नहीं तो इसीलिए थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है ताकि अगर वो एक्सपैंड भी हो तो वो वो वाला जगह ले ले ठीक है बात करें अगर हम लिक्विड की वहां भी वही होता है इनफैक्ट लिक्विड में तो और मजेदार बात होती है लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो अब तो ये और ज्यादा रैंडमली आराम से मूव कर सकते हैं करेक्ट तो इसीलिए हम नोटिस करेंगे कि जो एक्सपेंशन है वो लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले और ज्यादा होता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल थर्मोमीटर है जो लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर है थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब हम थर्मोमीटर को गर्म पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है उसका लेवल बढ़ जाता है क्यों बढ़ जाता है क्योंकि जो लिक्विड है उसका एक्सपेंशन हो जा रहा है और वो एक्सपेंशन ही हमें उसके लेवल के बढ़ते हुए दिख रहा है ठीक इसी तरीके से ऑन द सेम लाइंस अगर हम बात करें गैसेस की तो गैसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत दूर दूर होते हैं तो इनके पास ना रैंडमली मूव करने का स्कोप और ज्यादा है तो जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये और ज्यादा रैंडमली मूव करते हैं इनफैक्ट हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हमें कहां देखने को मिलता है गैसेस के केस में हालांकि यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि गैसेस को अगर हम एक फिक्सड वॉल्यूम के अंदर डाल दे मतलब लेटर सपोज कि यही मेरा डब्बा है इसी के अंदर गैस है तो भैया आप गैस को मैं कितना भी हीट कर लूँ वो इससे ज्यादा तो एक्सपैंड हो नहीं पाएगा राइट क्योंकि इसको हमने फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो ऐसे केस में जब हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है इसका प्रेशर बढ़ता जाता है क्योंकि ये अपना वॉल्यूम तो, तो क्या होता है वो जितना टेम्परेचर उसका बढ़ता है उसका प्रेशर बिल्डअप होते जाता है अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की कितने तरह के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं पहला लीनियर एक्सपेंशन लीनियर मतलब लेंथ लाइन है ना तो इंक्रीज इन लेंथ व्हेन हीटेड उसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन अब किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना एक्सपेंशन हुआ वो बताता है कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो यहां पर एक पैरामीटर होता है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है जिस सब्सटेंस के कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा अलॉन्ग इट्स लेंथ फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक तरफ कॉपर लेते हैं दूसरी तरफ ग्लास लेते हैं तो हम देखते हैं कॉपर का जो कोफिशियंट लिनियर एक्सपेंशन है वो ग्लास से कई ज्यादा है व्हिच मींस कॉपर जो है ये ग्लास से कई ज्यादा एक्सपैंड करता है इनफैक्ट टू बी मोर प्रसाइज कॉपर जो है ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा एक्सपैंड करता है व्हेन कंपेयर टू ग्लास दूसरा टाइप है एरिया एक्सपेंशन एरिया एक्सपेंशन बोले तो बहुत सिंपल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है व्हेन हीटेड दैट इज कॉल्ड एरिया एक्सपेंशन और तीसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन बोले तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अगर हम उसे हीट कर रहे हैं तो उसका ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है सो दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन हालांकि ये टाइप्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डिस्कशन इनकम्प्लीट रहेगा अगर हम कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो चलो देखें तो चलो हम बात करते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में तो यहाँ हम बात करेंगे कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एरिया एक्सपैंश

तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एल्फा एल इंटू डेल्टा टी ठीक है समझो बात को डेल्टा एल बाई एल हमें क्या बता रहा है डिग्री ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब कितना लीनियरली एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज डेल्टा एल बाई एल ये किसके प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर की भैया जैसे जैसे ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर है तो ज्यादा लीनियर एक्सपेंशन है और इसको कौन डिनोट कर रहा है एल्फा एल तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एल्फा एल जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू वन बाई डेल्टा टी ठीक है तो ये एक्सप्रेशन किसका हो गया ये हो गया डिग्री ऑफ कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ठीक है अब नॉर्मली इसका अगर ऐसे सोचे कि भाई इसका फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है किसी चीज की अगर अल्फा एल की वैल्यू ज्यादा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि वो जो चीज है वो ज्यादा एक्सपैंड करेगी दैट विल एक्सपैंड मोर सो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो अल्फा एल की वैल्यू होती है दे आर जनरली हाई ठीक है इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करो कॉपर और ग्लास को तो आप क्या देखोगे किसके केस में अल्फा एल की वैल्यू ज्यादा है कॉपर एक मेटल है जो ज्यादा एक्सपैंड करता है इसीलिए कॉपर के केस में अल्फा एल की वैल्यू इज मोर देन दैट ऑफ ग्लास ठीक है तो ये हो गया कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑन सिमिलर लाइन चलो बात करते हैं कोफिशियंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन के बारे में ये क्या होता है डिग्री ऑफ एरिया एक्सपेंशन डिवाइडेड द चेंज इन टेम्परेचर ठीक है यहां पर बस लेंथ की बजाय यहां पर हम एरिया के एक्सपेंशन की बात करते हैं इसको डिनोट करेंगे अल्फा ए से जो सब्सक्रिप्ट है दैट इज ए ए डिनोट्स एरिया ठीक है तो इसे कैसे लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए यानी कि एरिया का जो चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू एल्फा ए इनटू डेल्टा टी तो ये ए हमारा क्या हो गया कोफिशियंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और ठीक इसी तरीके से बात करेंगे कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में जो कि होता है डिग्री ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर इसे डिनोट करेंगे अल्फा वी से वी डिनोट्स वॉल्यूम ठीक है तो इसे जब हम लिखेंगे मैथमेटिकली तो कैसे लिखेंगे डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू एल्फा वी इंटू डेल्टा टी जहां पर एल्फा वी क्या है कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इन अदर वर्ड्स एल्फा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू वन बाई डेल्टा टी अब यहां भी हम देखते हैं कि ये जो अल्फा वी है यानी कि जो कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है ये दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस मतलब एक सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है हालांकि ये जो वैल्यू होती है ना अल्फा वी की दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज होती है किससे चेंज होती है टेम्परेचर से देखो ये ग्राफ बता रहा है एल्फा वी की जो वैल्यू है कोफिशियंट वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है ये टेम्परेचर के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है इनफैक्ट अगर हम ग्राफ को गौर से देखें तो एट हाई वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर देखो ये वाला जो रीजन है ना ग्राफ का इस रीजन के ऑनवर्ड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फा वी की जो वैल्यू है दैट इज कॉन्स्टेंट तो यानी कि जो कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो हाई टेम्परेचर पे तो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है लेकिन जो लोअर टेम्परेचर है उस पे ये टेम्परेचर के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है इनफैक्ट यहाँ पर ये यह जो ग्राफ हम शो कर रहे हैं दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अ मेटल कॉपर कॉपर के केस का ये ग्राफ है और जैसे कि मैंने बताया कि अल्फा वी जो है ना ये मतलब अगर आप किसी और सब्सटेंस के लिए इसका ग्राफ बनाओगे तो यू मे गेट स्लाइटली डिफरेंट ग्राफ ठीक है तो कुल मिला के बोलने का ये मतलब है कि कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है इसमें हम काफी सारी और चीजों के बारे में बात कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये जो है ये एक ऐसा कोफिशियंट है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो चलो इसी बहाने कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि अल्फा वी के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं अब हम क्या नोटिस करते हैं कि जब हम अल्फा वी की वैल्यू बात करते हैं फॉर सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस, तो वहां पर हमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम हम कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें फॉर लिक्विड्स तो वहां पर हम देखते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है लेकिन वही अगर हम इसकी बात गैसेस के लिए करें तो वहां पर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज होती है ठीक है तो भाई गैसेस वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि यहां पर जो है टेम्परेचर के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो यार एक बात बताओ जैसे गैसेस की बात करते हैं तो सबसे आइडियल वाला केस क्या होता है आइडियल गैस हमें क्या पता है आइडियल गैस के केस में क्या होता है इक्वल टू एन आर टी वेर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ठीक है तो अगर मैं बात करूं एक ऐसे सिचुएशन की जहां पर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं P डेल्टा V इज इक्वल टू एन आर डेल्टा T मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो चेंज होगा तो चेंज होगा तो चेंज इन वॉल्यूम रहेगा उसी तरह टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर भी है ठीक है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं यहां से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि यानी कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर बाय ओरिजिनल टेम्परेचर ये हम लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है थीके? अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो अभी अभी हमने डिफाइन किया था राइट अल्फा वी को कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को तो वो क्या होता था डेल्टा वी बाई वी इंटू वन बाई डेल्टा टी तो यहां पर अगर हम डेल्टा टी को भी इस तरफ ले आए तो हमें कुछ ये यू मिलेगा अब ध्यान से देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को ये क्या है ये कुछ भी नहीं है बल्कि अल्फा वी ही तो है सो बेसिकली अल्फा वी इज इक्वल टू वन बाई टी तो मतलब आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो वहां पर कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपैंशन जो है दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टी ठीक है तो ये एक अच्छा सा काफी सिंपल सा रिलेशनशिप मिल गया हमें आइडियल गैसेस के लिए तो बच्चों कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दैट इज अल्फा एल और अल्फा वी इन दोनों के बीच में एक बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कौन सा वाला रिलेशन चलो देखते हैं तो चलो रिलेशनशिप निकालते हैं कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बीच में तो इसके लिए लेटर सपोज हमने इस क्यूब का एग्जाम्पल लिया लेट से इसका ईच साइड का जो लेंथ है दैट इज एल ठीक है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ईच साइड क्या है एल है तो फिर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा साइड का क्यूब दैट इज एल क्यूब इस केस में ठीक है अब हम मान लेते हैं कि इस सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो टेम्परेचर है दैट इज इंक्रीजिंग बाई डेल्टा टी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा इसका एक्सपेंशन होगा राइट right? मतलब ये भी एक्सपैंड करेगा एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा जो साइड की लेंथ अभी एल है वो क्या हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल राइट मतलब साइड में भी हल्का सा चेंज आएगा करेक्ट तो ऐसे केस में अगर मुझे कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफाइन करना हो तो वो क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू वन बाई डेल्टा टी ठीक है ये हो जाएगा मेरा कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ओके अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की वॉल्यूम के साथ क्या होगा अगर पहले वॉल्यूम v था तो अब जो है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा v प्लस डेल्टा v वॉल्यूम में भी तो चेंज आएगा भाई हर एक साइड में अगर एक चेंज आ रहा है हर एक साइड जो अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ जा रहा है तो कुल मिला के इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा ठीक है तो अब ये डेल्टा वी क्या है सो so बेसिकली ये जो डेल्टा वी होगा वॉट इज दिस डेल्टा वी मतलब जो चेंज हो रहा है सो so दिस डेल्टा वी विल बेसिकली बी एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब माइनस एल क्यूब अच्छे से समझना है डेल्टा बी मतलब कितना चेंज हो रहा है वॉल्यूम में तो कितना चेंज हो रहा है पहले वॉल्यूम कितना था एल क्यूब था राइट दिस वॉज द इनिशियल वॉल्यूम ये मेरा क्या था इनिशियल वॉल्यूम था इस केस में अब जब उसमें एल प्लस डेल्टा एल हो गया मतलब पहले तो ये था मेरा क्यूब ये मेरा इनिशियल सिचुएशन था बाद में जाके जब ये एक्सपैंड कर गया तो इसकी हालत कुछ यूं हो गई मैं बिल्कुल ही एक रफ सा डायग्राम बना रही हूं जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ठीक है बाद में क्या हुआ कि एक एक साइड का जो लेंथ है वो कितना हो गया एल प्लस डेल्टा एल ठीक है तो ये हो एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब ये हो गया मेरा फाइनल वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन राइट तो इन दोनों का जो डिफरेंस है फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का वही तो डेल्टा वी होगा ज़ाहिर सी बात है राइट right? अब यहां पर हम करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी ठीक है और माइनस एल क्यूब प्लस और माइनस एल क्यूब जो है ना वो वैसे ही बहुत छोटा सा इंक्रीज है अब उसका हम क्यूब कर दे रहे हैं तो मतलब this value is almost zero, right? मतलब ऐसा होता है ना मान लो आपके पास पॉइंट जीरो 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 जो आपको आंसर मिलेगा जीरो 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 ऐसे चलता रहेगा तो एक्चुअली गेट अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली जीरो कंसिडर कर सकते हैं तो फिर अब मेरे पास बचा क्या थ्री एल स्क्वायर डेल्टा एल क्योंकि यहां पर भी जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो इसके साथ पहले इसको करोगे तो आपको मिलेगा थ्री एल स्क्वायर डेल्टा एल जब इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा थ्री एल डेल्टा एल का स्क्वायर अभी इसको भी आप डेल्टा एल के स्क्वायर को भी आप अप्रोक्सीमेटली जीरो कर दोगे करेक्ट सो फुल मिला के आपको मिलेगा थ्री एल डेल्टा एल ठीक है ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अब मुझे रिलेशनशिप किसके किसके बीच में निकालना है अल्फा एल एंड अल्फा वी तो अल्फा वी की तो अभी तक हमने बात ही नहीं की है तो चलो अल्फा वी की बात करते हैं अल्फा वी की डेफिनेशन क्या थी डेल्टा वी बाई वी इंटू वन अपॉन डेल्टा टी ठीक है अब डेल्टा वी की वैल्यू मुझे पता है विच इज थ्री एल स्क्वायर डेल्टा एल वी की वैल्यू मुझे पता है विच इज एल क्यूब वी तो यही है ना जो इनिशियली था वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी तो अब ये एल स्क्वायर और यहाँ से एल स्क्वायर कैंसल हो जाएगा तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा थ्री इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू वन बाई डेल्टा टी अब इसे ध्यान से देखो और इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करो तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करें तो हम क्या देखेंगे ये डेल्टा एल बाई एल इंटू वन बाई डेल्टा टी ये क्या है दैट इज अल्फा एल तो इसका मतलब अल्फा वी कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और ऐसा ही एक रिलेशनशिप की हमें तलाश थी जो कि हमें मिल गई तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एक खास बहुत ही खास शख्स की जिसका बिहेवियर बाकी सबसे अलग है जो बहुत ही यूनिक है जो बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करता है एंड दैट्स वाटर पानी पानी जो है ये बाकियों की तरह बिहेव नहीं करता है अभी तक हमने क्या देखा कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक्सपैंड करता है टेम्परेचर घटाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन वाटर के, के केस में हमें कुछ दूसरा देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब ये डिफरेंटली बिहेव कर रहा है व्यर्ड बिहेवियर है राइट right? और खास बात यह है कि ये जो एनोमल बिहेवियर है ये जो डिफरेंट बिहेवियर है ये हमें देखने को मिलता है बिटवीन जीरो डिग्री सेल्सियस एंड फोर डिग्री सेल्सियस इसी टेम्परेचर में हमें ये डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है तो हम नोटिस करते हैं कि वाटर को जब हम जीरो डिग्री से फोर डिग्री हीट करते हैं तो इसको होना चाहिए था एक्सपैंड बट यह होता है कॉन्ट्रैक्ट तो ये एक्सपैंड कब होता है सो वॉटर एक्सपैंड जब हम इसे कूल cool करते हैं फ्रॉम फोर डिग्री टू जीरो डिग्री सेल्सियस तो मतलब जीरो डिग्री और फोर डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वाटर का बिहेवियर बिल्कुल उल्टा होता है इसको गर्म करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है इसको ठंडा करते हैं तो ये एक्सपैंड कर जाता है सो दैट्स यूनिक अबाउट वाटर इसीलिए अगर आप ग्राफ देखो वाटर का वॉल्यूम वर्सेज टेम्परेचर तो आप क्या देखोगे हाइयर टेम्परेचर में फोर डिग्री सेल्सियस के ऊपर हाइयर टेम्परेचर में तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है

है कि नहीं तो अब डेंसिटी के ग्राफ को जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फोर डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और उस डे दे, मैक्सिमम डेंसिटी के दोनों तरफ जो है इसके वैल्यूज घटने लगते हैं नाउ दैट्स यूनिक अबाउट वाटर अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर वाटर इतना डिफरेंटली बिहेव करता क्यों है ऐसा क्यों होता है कि वाटर के केस में जब हम इसे हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड ना करने की बजाय ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है एंड द आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ये कहानी शुरू होती है वाटर के स्ट्रक्चर से जैसा कि हम सभी को पता है कि वाटर कुछ ऐसा होता है जहां पर ये ब्लू वाला जो बॉल है दैट इज ऑक्सीजन और ये ब्लैक वाले बॉल्स और हाइड्रोजन और हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा ही था कि ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसीलिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पर होता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर होता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज अब जब इस तरह के बहुत सारे वॉटर मॉलिक्यूल आसपास होते हैं तो क्या होता है देखो इस वाले वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है यानी कि जो ब्लू वाला बॉल है दैट इज नेगेटिवली चार्ज इस वाले वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है यानी कि जो ब्लैक वाला बॉल है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज तो चांसेस होते हैं कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो एंड ये अट्रैक्शन जो है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है बट स्टिल सारे एडजस्टेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब होता कुछ यूं है कि जब वॉटर लिक्विड स्टेट में होता है तो जो एडजस्टेंट मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में जगह ज्यादा होती है तो ये काफी क्विकली मूव करते हैं एज अ रिजल्ट जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये टूट जाते हैं इसीलिए जब हम वाटर के स्ट्रक्चर को लिक्विड स्टेट में देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जहां पर ये कंपैरेटिवली कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है लेकिन यही वाटर जब सॉलिड स्टेट में चला जाता है तो वहां पर क्या होता है जैसे वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि है, वो एक दूसरे के आ जाते हैं। और हम देखते हैं हाइड्रोजन कि बॉन्ड्स बनने लगते हैं ये जो व्हाइट वाला आप देख रहे हो बॉन्ड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बन जाते हैं और इसीलिए सॉलिड स्टेट में अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो वाटर के स्ट्रक्चर को तो ये एक बहुत ही प्रिसाइज प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इन प्लेस तो इसीलिए स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज अ रिजल्ट ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है इसका एज अ रिजल्ट वी से से कि जब जो है वो लिक्विड सॉलिड से से स्टेट में आ रहा है तो क्या हो रहा है ये एक्सपैंड कर जा रहा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर अब बचा पार्टी यहां पर देखो वॉटर का जो ये यूनिक सा बिहेवियर है ना ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है सकता है इनफैक्ट स्पेशली अगर मैं बात करूं हमारे वाटर बॉडीज जैसे कि तालाब लेक स्पॉन्ड्स जो होते हैं वहाँ पर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है क्यों होता कुछ यूँ है कि जब पीक विंटर्स आते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दियों का मौसम आता है हालांकि ये चीज़ हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप देखो तो जब एकदम पीक विंटर सीजन होता है तो क्या होता है ये जो वाटर बॉडीज होती हैं चाहे लेक्स हैं चाहे पॉन्ड्स हैं ये सारे फ्रीज होने लगते हैं बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो फ्रीजिंग होती है इनकी ये ऊपर से नीचे की तरफ होती है आप अगर नोटिस करोगे कोई भी लेक जो है वो पहले ऊपर की तरफ फ्रीज होता है ठीक है तो इसीलिए लिए जितने भी उस लेक के अंदर रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे मछलियाँ हैं चाहे एक्वेटिक प्लांट्स हैं चाहे और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेफ रह जाते हैं क्योंकि ये सारी एक्वेटिक लाइफ तो नीचे रहती है पानी के राइट तो फ्रीजिंग सिर्फ ऊपर वाले लेयर की होती है तो ये हमारा पूरा का पूरा एक्वेटिक लाइफ जो है ये हार्म नहीं होता है ठीक है और ये जो फ्रीजिंग वाटर की होती है टॉप टू बॉटम ये क्यों होती है वाटर के इस यूनिक बिहेवियर की वजह से क्योंकि वाटर का जो अभी अभी हमने पढ़ा कि कूल cool करने पे एक्सपैंड और हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट ये वाला जो बिहेवियर है बिटवीन जीरो डिग्री टू फोर डिग्री सेल्सियस इसी की वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कैसे चलो समझे देखो होता कुछ यूं है कि जैसे जैसे विंटर सीजन अप्रोच होता है तो हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे घटने लगता है ठीक है अब पानी के साथ क्या हो रहा होता है देखो वाटर का जो लेयर है जो ऊपर की तरफ है जो सरफेस पे है उस लेक के वो क्या हो रहा है बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है तो उस वाले लेयर का वाटर का टेम्परेचर भी कम हो रहा है राइट वो भी कूल डाउन हो रहा है कूल डाउन होने से क्या होता है कूल कोई भी सब्सटेंस कूल होता है तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है ये फोर डिग्री से ज्यादा है ठीक है मतलब लेट से 20 डिग्री से घटके 15 हो रहा है 15 से घटके 10 हो रहा है 10 से घटके 8 हो रहा है तो ऐसा वाला अगर डिक्रीज इन टेम्परेचर चल रहा है तो पानी के साथ क्या होगा पानी को हम कूल डाउन कर रहे हैं तो पानी क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ऊपर का पानी का लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जैसे ही कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या हो जाता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है राइट क्योंकि पहले वो इतना जगह था उसके पास अब उसके पास इतना ही जगह है तो क्या हो जाएगा पार्टिकल्स एकदम सट सट के रह रहे हैं तो इसकी डेंसिटी बढ़ रही है तो वाटर का जो ऊपर वाला लेयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी डेंसिटी ज्यादा तो वो नीचे चली जाएगी राइट तो ऊपर कौन आएगा जो नीचे का वार्म वाटर है वो ऊपर राइज कर जाएगा क्योंकि जो नीचे का गर्म पानी है जो नीचे पानी था वो तो गर्म है ना क्योंकि वो तो सराउंडिंग या फिर एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट टच में नहीं था तो नीचे का जो कंपैरेटिवली वार्म वाटर है जो कंपैरेटिवली कम डेंस है वो ऊपर की तरफ आएगा उसके साथ भी वही होगा वो भी कूल cool डाउन कर जाएगा ठीक है फिर वो भी जब लेस डेंस हो जाएगा नीचे चला जाएगा और ये सर्कल चलता रहेगा कब तक चलता रहेगा जब तक मेरा सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो टेन से फाइव फाइव से फोर डिग्री सेल्सियस तक आएगा जब तक कूलिंग डाउन चल रहा है अप टू फोर डिग्री सेल्सियस तब तक ये प्रोसेस चलेगा क्योंकि तब तक मेरा वाटर क्या हो रहा है जैसे जैसे उसे कूल कर रहे हैं वाटर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन जैसे ही फोर डिग्री सेल्सियस पे वो आ जाएगा तो कहानी पलट जाएगी क्योंकि वाटर का एनोमेलस बिहेवियर आ जाएगा अब लेट अस सपोज कि मेरा टेम्परेचर फोर डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है मतलब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर और अब ये फोर डिग्री से कम हो रहा है अब क्या होगा अब तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो जो वाटर अभी इस समय सरफेस पर है वो वाटर के साथ क्या होगा जैसे वो फोर डिग्री से थ्री डिग्री जा रहा है टेम्परेचर तो मेरा वाटर जो है सरफेस वाला ये कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपैंड हो रहा है चूंकि ये एक्सपैंड हो रहा है तो इसका डेंसिटी क्या हो रहा है घट रहा है राइट क्योंकि पहले इतना जगह था अब इतना जगह मिल गया दैट्स एक्सपेंशन इतना जगह मिल गया और रहने वाले लोग उतने ही हैं, तो क्या हो गया डेंसिटी में नहीं कम हो गई क्योंकि डेंसिटी कम हो गई तो वो ऊपर ही रहेगा क्योंकि जो कम डेंसिटी वाला सामान होता है वो ऊपर ही रहता है तो इसीलिए अब जो है ऊपर का वाटर का जो लेयर है वो ऊपर ही रहेगा अब मेरा सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो फोर डिग्री से थ्री, दिग्री, थ्री दिग्री से तू डिग्री थ्री डिग्री से टू डिग्री टू डिग्री से वन डिग्री वन डिग्री से जीरो डिग्री आएगा लेकिन मेरा जो ऊपर वाला लेयर है वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा क्योंकि वो तो एक्सपैंड होता जा रहा है एंड फाइनली जब जीरो डिग्री आ जाएगा जब फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा तो वो ऊपर का लेयर क्या हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा एंड दैट्स द रीज़न कि लेक्स पॉन्ड्स या फिर कोई भी वाटर बॉडी हमेशा टॉप टू बॉटम फ्रीज होती है ऊपर से फ्रीज होना शुरू होती है तो चूंकि ऊपर से वो फ्रीज होना शुरू होती है तो ऊपर जो है ना एक आइस का यूं लेयर जैसा बन तो जाता है बट डीप डाउन जब आप जाओगे तो अंदर जो है वो पानी रहता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मज़े में रह रहे होते हैं तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा कि, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जनरली जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है राइट right? अब मान लो मैंने क्या किया मैंने कहा कि नहीं मैं इस ऑब्जेक्ट को हीट करूंगी बट इसे एक्सपैंड नहीं होने दूंगी और उसे मैंने फिक्स कर दिया दोनों एंड से तो अब वो बेचारा एक्सपैंड होना चाहता है बट उसके पास ऑप्शन नहीं है तो क्या होता है तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है जिसे हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस क्यों क्योंकि ये स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ठीक है तो इट इज लाइक अगर हम एक स्टोरी के फॉर्म में सोचे तो इट इज लाइक लेट लेटर सपोज कि आपको ना शॉपिंग पे जाने का बहुत मन है यू रियली वॉन्ट टू गो शॉपिंग ठीक है लेकिन अब क्या हुआ एक ऑप्शन ही हो सकता है कि यार आपकी मम्मा ने बोला कि हाँ ठीक है आप जाओ बिंदा शॉपिंग करो तो आप मजे में गए अपना शॉपिंग किए इधर उधर घूमे बहुत मजा आया आपको लेकिन दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपको शॉपिंग करने का बहुत मन है लेकिन मम्मा ने बोला कि नहीं घर से निकलना मना है और मम्मा ने आपको जाने नहीं दिया तो आप कैसा फील करोगे बहुत मजा आएगा नहीं आएगा आप स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे आपको गुस्सा आएगा कि नहीं मुझे जाने नहीं मिला मेरा, मेरा जाने का इतना मन था सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं उस पूरे ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दे या उसके कुछ पार्ट को फिक्स कर दे और हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहें तो क्या होता है बेचारा एक्सपैंड तो कर नहीं पाता है बट उसके अंदर एक मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप हो रहा होता है और उस स्ट्रेस को हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस तो लेटर सपोज कि हमारे पास एक रॉड है ठीक है इस रॉड की लेंथ है एल इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रॉड तो इस तरह से सिलेंडर के फॉर्म में ही होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है एंड लेट अस सपोज कि इसका जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज डेल्टा टी मतलब इसका टेम्परेचर टी वन से टी टू चेंज हो रहा है ठीक है सो लेट अस सपोज जो टेम्परेचर राइज हो रहा है दैट इज बाय डेल्टा टी सो so डेल्टा टी डिनोट कर रहा है राइज इन टेम्परेचर अब बाई टेम्परेचर में राइज हो रहा है तो ये रॉड क्या करना चाहेगा ये एक्सपैंड करना चाहेगा हीट होने पे सभी एक्सपैंड करना चाहते हैं लेकिन दुख की बात यह है कि इस रॉड को जो है ना लेट से हमने इसको फिक्स कर रखा है अब अगर हमने फिक्स कर रखा है तो ये चाहता तो है एक्सपैंड होना बट ये एक्सपैंड हो नहीं पा रहा है ठीक है तो हो नहीं पा रहा है बट होना चाहता है तो लेटर सपोज इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा उससे इसमें स्ट्रेन भी आएगा तो इसका जो स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेन कितना होगा तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन की तो स्ट्रेन कितना होगा डेल्टा एल बाई एल मतलब कि चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ ठीक है अब इसे जो है हम कैसे लिखें इसे हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन थोड़ी ही देर पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा था राइट कि इसका ऑफ लीनियर डेल्टा एल बाई एल इंटू वन बाई डेल्टा टी ठीक है तो यहां पर भी डेल्टा एल बाई एल को हम क्या लिख सकते हैं एल्फा एल इंटू डेल्टा टी ठीक है T, तो ये इसका स्ट्रेन हो जाएगा अब इस ये स्ट्रेन किसके वजह से डेवलप हो रहा है एक स्ट्रेस की वजह से और उसी स्ट्रेस को तो हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस तो फिर थर्मल स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो कितना हो जाएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन किसका होता है यंग्स मॉड्यूलस का तो यंग्स मॉड्यूलस इज थर्मल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन सो ये हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस इन टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन ठीक है तो ये हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस एल्फा एल डेल्टा टी ठीक है तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा एफ क्योंकि ये थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो क्यों रहा है क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं ना कि इनको हमने फिक्स कर दिया है तो फिक्स करने से क्या हो रहा है एक एक्सटर्नल इन फोर्स इनके ऊपर अप्लाई हो जा रहा है सो थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स लेट अस सपोज कि इस एक्सटर्नल फोर्स को हम कहते हैं डेल्टा एफ तो क्या हो जाएगा स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया तो डेल्टा एफ पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इन टू एल्फा एल इंटू डेल्टा टी तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा एफ इज इक्वल टू ए वाई अल्फा एल डेल्टा टी तो ये तरह के जो एक्सप्रेशन है रटने की जरूरत नहीं है बस अप्रोच को समझ लो ताकि अगर कभी न्यूमेरिकल आ जाए कुछ इन चीजों से लिंक्ड तो आप डायरेक्टली उन्हें सॉल्व कर सको चलो एक क्वेश्चन देखते हैं शो दैट द कोफिशियंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन डेल्टा ए बाई ए इंटू वन बाई डेल्टा टी ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस इट्स लीनियर एक्सपेंसिविटी एल्फा एल ठीक है तो एक हमारे पास लेट्स से एक रेक्टेंगुलर शीट है कुछ इस तरीके से ठीक है तो लेटर से इसका जो लेंथ है दैट इज एक्स इसका जो ब्रेथ है दैट इज वाई ओके अब हम बात कर रहे हैं किसकी एरिया एक्सपेंशन की तो लेट से कि इसको हमने हीट किया या कुछ भी ऐसा हुआ जिससे ये एक्सपैंड हो गया अब अगर ये शीट एक्सपैंड हो रही है इसका मतलब है कि इसका जो साइज है वो बढ़ जा रहा है कुछ इस तरीके से करेक्ट तो बेसिकली क्या बढ़ जा रहा है इस पूरे एरिया को अगर हम कंसिडर करें तो पहले तो इतना ही था ये अंदर वाला बट अब उसके साथ में ये रीजन वन रीजन टू और रीजन थ्री इन तीनों का एरिया जो है एडअप हो जा रहा है आफ्टर एक्सपेंशन ठीक है क्योंकि जब एक्सपेंशन हो रहा है तो जो ये एक्स वाला साइड है ये एक्स से क्या हो जा रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो वाई वाला साइड है वो वाई से क्या हो जा रहा है वाई प्लस डेल्टा वाई तो एज अ रिजल्ट जो है हमारा जो नया एरिया है वो कुछ ऐसा सा बन जाता है ठीक है तो चलो अब हम देखते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है बाई डेल्टा टी तो क्या क्या चीजें हो रही हैं सबसे पहले तो हमने देखा कि लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है जिसे हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एल्फा एल इंटू वन बाई इंटू डेल्टा टी ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल एल डेल्टा टी ठीक है L L T. यहां तक ग्रेट तो चलो अब इसी बेसिस पर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यूज निकालते हैं तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा अल्फा एल एक्स इंटू डेल्टा टी उसी तरह डेल्टा वाई क्या हो जाएगा अल्फा एल वाई इंटू डेल्टा टी ठीक है तो अब हम लोग निकालते हैं इंक्रीज इन एरिया एरिया में इंक्रीज कितना हुआ है इंक्रीज इन एरिया कितना है डेल्टा ए डेल्टा ए क्या है कितना एरिया इंक्रीज हुआ है ये अंदर वाला एरिया तो पहले भी था अभी एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज हुआ ये वन वाला एरिया प्लस ये टू वाला एरिया प्लस ये थ्री वाला एरिया तो कुल मिला के ये पूरा डेल्टा ए है मतलब इंक्रीज इन एरिया है तो रीजन वन प्लस रीजन टू प्लस रीजन थ्री का एरिया ठीक है तो रीजन वन का अगर एरिया हम देखें तो ये क्या हो जाएगा इसकी लेंथ है x और ये ब्रेड है डेल्टा वाई तो ये हो जाएगा x डेल्टा वाई रीजन टू की बात करें ये डेल्टा x ये डेल्टा वाई तो ये हो जाएगा डेल्टा x डेल्टा वाई रीजन थ्री की अगर हम बात करें तो इसका जो ये वाला विथ है दैट इज डेल्टा x और ये y है हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू वाई ठीक है तो इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं चलो लिखें तो यहां पर अब हम देखते हैं कि इस डेल्टा वाई को क्या हम कुछ और तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं यहां पर हमने लिखा था उसी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई एल्फा एल डेल्टा टी प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई तो यहां पर हम क्या लिखेंगे एल्फा एल स्क्वायर एक्स वाई डेल्टा टी स्क्ल्टा एक्स इंटू वाई तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा अल्फा एल एक्स डेल्टा टी इंटू वाई तो यहां पे वाई आ जाएगा ठीक है तो so, अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है दे आर जस्ट द सेम तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई एल्फा एल डेल्टा टी प्लस अल्फा एल स्क्वायर एक्स वाई डेल्टा टी स्क्वायर अब देखो ये एक्स वाई क्या है एक्चुअली एक्स इंटू वाई जो है ये इनिशियल एरिया है ए मतलब पहले जो एरिया था अस से बाद में तो डेल्टा ए इंक्रीज हुआ बट इनिशियली इसका एरिया कितना था ए था ठीक है तो एक्स वाई की जगह हम ए लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा टू ए एल्फा एल डेल्टा टी प्लस एल्फा एल स्क्वायर ए डेल्टा टी का होल स्क्वायर ठीक है अब देखो डेल्टा टी का होल स्क्वायर फिर से वही बात डेल्टा टी बहुत छोटा है तो इस वाले टर्म को हम जीरो के बराबर मान सकते हैं सो विद दैट हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा कि डेल्टा ए दैट इज इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू टू एल्फा एल इंटू डेल्टा टी चलो कैलकुलेशन को आगे लेके जाते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए इधर से ए उधर कर दिया उसी तरह डेल्टा टी को भी उधर कर दिया दिस इज इक्वल टू टू इंटू एल्फा एल अब ये पूरी की पूरी चीज जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है ये क्या है कोफिशियंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं अल्फा ए इज इक्वल टू टू टाइम्स अल्फा एल तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोफिशियंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन जो है दैट इज टू टाइम्स द लीनियर एक्सपेंसिविटी चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन द कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लीसरी नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइविन इनवर्स इज द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी फॉर अ थर्टी डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है फोर्टी नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव केल्विन इनवर्स और दूसरा दिया हुआ है चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी जो कि है थर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है और मुझे क्या निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन डेंसिटी निकालना है बट सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ये हमारा पहला स्टेप होगा क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी फिर से कनेक्टेड होते हैं ठीक है तो यहां से कोफिशियंट वॉल्यूम एक्सपेंशन के डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू एल्फा वी इन डेल्टा टी अब डेल्टा वी बोले तो चेंज इन वॉल्यूम दैट मींस फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू अल्फा वी इन डेल्टा टी इसे हम फर्दर लिख सकते हैं वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू वी इन टू वी डेल्टा टी अब हम कुछ करेंगे अब यहाँ पर मुझे भाई वॉल्यूम मुझे चेंज इन वॉल्यूम तो चाहिए ही नहीं मुझे चाहिए फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी अब हमें क्या पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम ये रिलेशनशिप तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसी का यहां पर यूज करेंगे वी डैश क्या हो जाएगा वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं मास बाई डेंसिटी तो ये हो जाएगा एम बाई रो डैश डेंसिटी का डैश उसी तरह वी केस में क्या हो जाएगा मास बाय रो एम बाई रो दिस इज इक्वल टू वी के जगह फिर से क्या हो जाएगा एम बाय रो एल्फा वी इन डेल्टा टी अब देखो एम जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉमन ले लें तो ये दोनों साइड का एम एम सारा कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा वन बाय रो डैश माइनस वन बाय रो इज इक्वल टू एल्फा वी डेल्टा टी बाय ठीक है तो इसे हम लिख सकते हैं रो माइनस रो डैश डिवाइडेड बाई रो रो डैश क्वल टू एल्फा वी इंटू डेल्टा टी डिडेड बाई रो ठीक है तो ये वाला रो और ये वाला रो कैंसल आउट हो जाएगा तो इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं रो माइनस रो डैश मतलब क्या हो जाएगा दिस इज चेंज इन डेंसिटी करेक्ट तो ये हो गया चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाई रो डैश इज इक्वल टू एल्फा वी इंटू डेल्टा टी ये क्या है दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी और यही हमें निकालना है वॉट इज दिस चेंज इन डेंसिटी ठीक है तो अब इनकी वैल्यूज देखते हैं अल्फा बी की वैल्यू दी हुई है पावर माइनस फाइव डेल्टा टी की भी वैल्यू दी हुई है थर्टी तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो वन पॉइंट फोर सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकाल सकते हैं तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में विच इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है तो कहानी शुरू करते हैं लेट सपोज कि ये सब हम सभी ने नोटिस किया होगा जब कभी भी हमने पानी बॉईल किया हो एक पतीले में पानी लो उसे गैस पे चढ़ा दो हीट होने दो उसे स्टार्टिंग में आपको क्या दिखेगा आपको छोटे छोटे ना उसमें बबल्स दिखेंगे बहुत छोटे 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 लेकिन जब आप उसको हीट करना कंटिन्यू रखोगे धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा जैसे ही पानी बॉयल करने लगता है ना तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन बहुत ज्यादा टर्बुलेंट हो जाता है बहुत वायलेंटली वो पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं ये हम सब ने देखा है ठीक है तो अभी हम बात करते हैं कुछ दूसरे तरह के सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ठीक है लेटर सपोज मैंने कहा कि मैंने आपको एक गिवन अमाउंट ऑफ पानी दिया लेट से एम मास ऑफ़ वाटर दिया और मैंने आपको बोला कि आपको इसका टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है कैसे बढ़ाओगे ऑब्वियसली उसको हीट करके अब हमने क्या किया एक स्टॉप वॉच रखा और हम देख रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है इसके टेम्परेचर को ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ठीक है हमने नोट किया कि यार टी टाइम लगा ठीक है अब मैंने कहा कि नहीं 20 डिग्री सेल्सियस में मजा नहीं आया यार मैं तुम्हें उतना ही पानी उतना ही एम मास ऑफ वाटर मैं तुम्हें देती हूं तुम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो बाई फोर्टी डिग्री सेल्सियस अब आप नोटिस करोगे जब आप टाइम इसका नोट करोगे तो आप देखोगे अब की बार आपको टू टी टाइम लगा मतलब पहले जितना लगा था 20 डिग्री सेल्सियस में अगर टी टाइम लगा था तो 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आपको टू टी लगा ठीक है अब मैंने कहा Hmm, एक काम करते हैं मैं आपको दुगुना अमाउंट ऑफ पानी देती हूँ पहले अगर मैंने एम मास ऑफ वाटर दिया था अब मैं आपको टू एम मास ऑफ वाटर देती हूँ ठीक है पहले भी मैंने उसे 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया था अब भी मैं इसे 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करती हूँ लेकिन मैं नोटिस करती हूँ कि अब की बार मुझे टाइम फिर से दुगुना लगा फिर से टूटी लगा क्यों क्योंकि मेरा मास दुगुना हो गया है अब मैंने कहा कि यार पानी को हटाओ चलो ऑयल को बॉयल करते हैं जब हम ऑयल को लेते हैं उतना ही एम मास ऑफ ऑयल लेते हैं उसे 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की कोशिश करते हैं टेम्परेचर बट यहां पर हम देखते हैं कि हमें हमारा जो टाइम टेकन है वो दूसरा होता है तो इस तरह के काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और फिर ये कंक्लूड किया गया कि कोई भी एक गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हीट करने के लिए उसे एग्जैक्टली exactly कितना क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए जैसे उसे मुझे गर्म करना है जितना भी गर्म करना है उसके हिसाब से मुझे कितना उसे हीट सप्लाई करना है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है तो क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा पहला फैक्टर मास ऑफ द सब्सटेंस अगर मास बढ़ेगा तो जो हीट का सप्लाई का जरूरत है उसमें भी चेंज आएगा दूसरा चेंज इन टेम्परेचर मतलब temperature को कितना change करना है 20 डिग्री डिग्री नेचर ऑफ सब्सटेंस हम पानी को गर्म कर रहे हैं ऑयल को गर्म कर रहे हैं या फिर किसी और चीज को राइट right? तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स थे जो डिटरमाइन करते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए होगा फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कहानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने से पहले हमें समझना होगा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है तो हीट कैपेसिटी हर एक सब्सटेंस का खुद का एक कैपेसिटी होता है वॉट इज दैट कैपेसिटी? मतलब लेटर सपोज कोई एक सब्सटेंस है वो अगर डेल्टा क्यू ये सारे हमारे नोटेशंस हैं ठीक है डेल्टा क्यू मतलब हीट क्यू डिनोट्स हीट तो वो अगर कुछ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रिलीज कर रहा है अगर वो हीट एब्सॉर्ब करेगा तब भी उसका टेम्परेचर में चेंज आएगा वो हीट रिलीज करेगा तब भी उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा तो कोई भी सब्सटेंस अगर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस समय अगर उसमें डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो हम हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस कैसे डिफाइन करेंगे हम कहेंगे हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ठीक है तो हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से चलो अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की देखो नाम पे फोकस करो फिर से वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी बट यहां पर हम कुछ स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं कौन से स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं हम एक स्पेसिफिक मास की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो जब कभी भी हम हीट कैपेसिटी की बात करें पर यूनिट मास तो हम उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते थे कैपिटल एस से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एस से ठीक है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैथमेटिकली क्या हो जाएगा कैपिटल एस बाय एम क्योंकि पर यूनिट मास हो गया राइट तो यानी कि जो मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एम तो चलो अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ और बातें करते हैं ठीक है तो जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है एक तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी कि अलग अलग चीजों के लिए इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर तो टेम्परेचर की इंक्रीज या डिक्रीज होने से भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू चेंज होती है ठीक है अगर हम मैथमेटिकली देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से तो यह क्या होता है हीट कैपेसिटी जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं पर यूनिट मास यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं वन बाई एम अब हीट कैपेसिटी को हम क्या लिखते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ठीक है T. तो ये हमारा हो गया क्या ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन अब इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आप मुझे बताओ कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए यूनिट होना चाहिए डेल्टा क्यू बोले तो एनर्जी तो जूल और नीचे क्या है मास है और क्या है टेम्परेचर तो जूल पर केजी पर केल्विन यही होना चाहिए इसका यूनिट जाहिर सी बात है अमेजिंग चलो अब थोड़ी बातें और करते हैं अब देखो कभी कभी क्या होता है अपना ये सिंबल्स याद रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोले तो स्मॉल एस हीट कैपेसिटी बोले तो कैपिटल एस ठीक है और अब हम बात करने वाले हैं एक और वेरिएंट uh, की विच इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर मोलर है मतलब जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बात करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्योंकि जब यहां पर हम बात कर रहे थे तो हम मास को किस किस यूनिट में ले रहे थे के में बट वहीं अगर हम मास को नंबर ऑफ मोल्स में लेने लग जाए राइट मास इन केजी के बजाय अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो उसे हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब यहां देखो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से ठीक है ताकि वो डिफरेंसेस पता रहे ठीक है तो स्मॉल एस हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल एस हो गया हीट कैपेसिटी और सी हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा जो हमारा स्पेसिफिक हीट था कैपेसिटी मतलब बोले तो कैपिटल एस दैट इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास की जगह पर यूनिट म्यू वेर म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स तो यानी कि ये क्या हो जाएगा वन बाई म्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी तो अभी इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आप मुझे बताओ कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए तो इसका यूनिट होगा जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ठीक है बस देखो खाली के के बदले में यहां पर मोल आ गया ठीक है इतना ही फर्क था अब इसके ना दो बड़े फेमस वेरिएंट्स हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के एक तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये इतने फेमस क्यों है क्योंकि जब कभी भी हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो वो हम दो ही तरीके से अचीव कर सकते हैं या तो प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखें या फिर वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखें ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं सीपी बोले तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हमारा प्रेशर क्या है कॉन्स्टेंट उसी तरह सीवी क्या हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हमारा वॉल्यूम जो है दैट इज सीपी सीपीसीवी के बारे में हमने पहले भी काफी कुछ चीजें पढ़ी हैं आगे भी काफी सारी चीजें पढ़ेंगे ठीक है अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू बाकी सब्सटेंसेस और इसी का फायदा उठाते हुए हम वाटर को तरह तरह के जगहों में यूज करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर को हम एक हीटर की तरह यूज करते हैं इन हॉट वाटर बैग्स हॉट वाटर बैग सबको पता ही होगा उसके अंदर हम वाटर को गर्म पानी को डाल देते हैं और वो हीटर की तरह काम करता है राइट right? दूसरी तरफ वाटर को हम कूलेंट की तरह भी यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में तो देखो चीज वही है कहीं पर हम उसे हीटर की तरह यूज कर रहे हैं कहीं पर हम उसे कूलेंट की तरह यूज कर रहे हैं क्यों क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है विच मीन्स कि वाटर जो है वो गर्म भी धीरे धीरे होगा और वो ठंडा भी धीरे धीरे होगा इसीलिए अगर हीटर की तरह काम करेगा क्योंकि काफ़ी देर तक वो गर्म रहेगा वो धीरे धीरे ही ठंडा होगा कूलेंट की तरह काम करेगा क्योंकि काफी देर तक वो ठंडा ही, ही रहेगा क्योंकि वो धीरे धीरे गर्म होगा तो देखो दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर अस अब बात करेंगे हम कैलोरी मेट्री की हीट की इतनी सारी बातें कर रहे हैं हम तो कैलोरी मेट्री डिस्कस करना भी ज़रूरी है तो कैलोरीमेट्री चीज क्या है कैलोरी कहाँ से आया है हीट का यूनिट होता है राइट सो कैलोरी इज हीट मेट्री इज मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट ऑफ हीट सो कैलोरी मेट्री इज मेजरमेंट ऑफ हीट अब ये जो हीट का मेजरमेंट होता है ये एक डिवाइस के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं कैलोरी मीटर तो कैलोरीमीटर का काम करने का जो प्रिंसिपल होता है वो उसी बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि हीट का ट्रांसफर कहां से होता है एक ऐसे बॉडी से होता है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है एक ऐसे बॉडी तक होता है जिसका टेम्परेचर कम है तो अगर मेरे पास दो बॉडीज़ हैं वन एंड टू वन हाई टेम्परेचर पे है और टू लो टेम्परेचर पे है तो मेरा वन जो है ये हीट लूज करेगा और टू जो है वो हीट गेन करेगा और ये हीट ट्रांसफर का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक वन और टू सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाते अब सवाल ये उठता है कि अपना कैलोरीमीटर होता कैसा है तो कुछ खास नहीं होता है ये बेसिकली एक मेटालिक वेसल होता है एक मेटल का बना हुआ वेसल होता है जिसमें एक स्टीरर होता है मतलब ऐसे ऐसे घुमाने वाला ये मेटल कॉपर भी हो सकता है एल्यूमिनियम भी हो सकता है और ये पूरे मेटल वेसल के बाहर एक जैकेट होता है एक आउटर जैकेट होता है वुडन जैकेट होता है जो एक हीट शील्ड की तरह काम करता है शील्ड समझते हो ना जो प्रोटेक्ट करता है तो इस हीट शील्ड का, का काम ही ये होता है कि अंदर वाले वेसल का जितना भी हीट है उसके अंदर वो हीट लूज ना हो जाए बाहर तो इसीलिए वो उस हीट लॉस को प्रिवेंट करता है या आउटर जैकेट और आउटर जैकेट में ही एक होल बना होता है जिसके थ्रू एक थर्मोमीटर जो है वो अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है जो सब्सटेंस का हीट मेजर करे मतलब बेसिकली टेम्परेचर को मेजर कर पाए ठीक है तो कुछ इस तरीके का होता है कैलोरी मीटर का अरेंजमेंट तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं ऑफ ऑफ जी प्लेसियंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर सो दैट द दर इज एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू जीरो पॉइंट वन फोर के जी कॉपर कैलोरी मीटर कंटेनिंग जीरो पॉइंट टू फाइव के जी ऑफ वाटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है तो मतलब पहले इस फेयर को एक एक वेसल में रखा गया था बाद में एक दूसरे वेसल में रखा गया ठीक है तो हम एक एक करके सिचुएशन को देखेंगे ठीक है अब कुल मिला के हुआ क्या टेम्परेचर ऑफ द वॉटर राइजेस एंड अ स्टेडी स्टेट एट ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस अब ये स्टेडी स्टेट पे ध्यान देना है ठीक है सो कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अब देखो स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि हीट गिवन बाय द एल्यूमिनियम स्वीयर इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाई वॉटर प्लस कैलोरी मीटर क्योंकि कैलोरी मीटर के अंदर क्या है तो कैलोरी मीटर जो कॉपर का है सो है साथ में वॉटर भी है तो जितना हीट एल्यूमिनियम का स्फेयर देगा उतना हीट वो वॉटर प्लस कैलोरी मीटर एब्जॉर्ब कर लेगा ठीक है ये सीधा सीधा स्टेडी स्टेट का मतलब है अब हम इस पूरे क्वेश्चन को देखते हैं शुरू से तो सबसे पहले सिचुएशन में क्या था हमारे पास एक स्पेयर था जिसका मास था पॉइंट जीरो फोर सेवन के जी और क्या था ये किस टेम्परेचर पर था इसका जो टी वन था हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है फिर क्या हुआ इसके साथ अब देखो इस वाली कंटेनर की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं टेम्परेचर T1 ये क्या है स्पेयर का टेम्परेचर है The sphere is at 100 degree Celsius. तो ये T1 किसका टेम्परेचर है स्पेयर का और स्पेयर का T2 क्या है स्पेयर का फाइनल टेम्परेचर कितना है स्टेडी स्टेट पर च इज ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस बीच में क्या हुआ उसको भूल जाओ अभी हम सिर्फ इस पहले सिचुएशन को देख रहे हैं ठीक है तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है तो यानी कि जो मेरा डेल्टा टी है वो कितना है टी वन माइनस टी टू सो दैट इज सेवेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है अब अस एज्यूम कि हमने मान लिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इसको हमने अभी के लिए मान लिया इज एस एल इसको हम इससे डिनोट करेंगे अभी थ्रू आउट द क्वेश्चन ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाई एल्यूमिनियम स्फियर कितना हो जाएगा क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं हम सिर्फ स्फियर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो है ना दो एलिमेंट्स है एक तरफ क्या है एक तरफ स्फियर है और दूसरे तरफ क्या है कैलोरी मीटर विथ वॉटर ठीक है और हमने अभी अभी क्या बोला था कि स्टेडी स्टेट में ये स्फीयर जितना हीट देगा उतना ही हीट कैलोरी मीटर प्लस वॉटर ले लेगा ठीक है तो पहले पहले स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि स्फीयर कितना हीट देगा सो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द एलुमिनियम स्फीयर ये कितना हो जाएगा बताओ आप बताओ मुझे स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी राइट स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन के हिसाब से हमने क्या देखा था स्मॉल एस से डिनोट करते थे स्पेसिफिक हीट राइट तो उसकी डेफिनेशन कैसी थी कुछ ऐसी थी वन बाई एम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी तो इस डेफिनेशन से अगर मैं आपको कहूँ कि हीट क्या हो जाएगा तो डेल्टा क्यूब विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी है ना इस डेफिनेशन के हिसाब से तो बस वही लगाएंगे हम यहां पर तो यहां पर हो जाएगा एम इंटू एस एल इंटू डेल्टा टी अब मास तो हमें पता है जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन एस ए एल हमें निकालना है और डेल्टा टी कितना है 77 सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है तो ये वैल्यूज हमें पता है अब चलो बात करते हैं वाटर प्लस कैलोरीमीटर की तो चलो यहां से हम डिवाइड कर लेंगे हमारा स्क्रीन अब बात करते हैं हम सेकेंड सिचुएशन की यानी कि अब हम बात करेंगे कैलोरीमीटर प्लस वाटर की तो इस केस में जो मेरा मास है वो क्या है एक तो एम टू विच इज लेट्स से मास ऑफ वाटर दैट इज जीरो पॉइंट टू फाइव के जी इसके अलावा मास ऑफ कैलोरीमीटर भी है विच इज एम थ्री विच इज जीरो पॉइंट वन फोर के जी ठीक है और क्या क्या है टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा सो so, T1 वन यहां पर क्या है इनिशियली इस वाले सिस्टम का टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस सो T1 हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर स्टेडी स्टेट वाला टेम्परेचर ही होगा दैट इज 23 सो so, T2 हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस तो यहां से हमें क्या पता चला कि चेंज इन टेम्परेचर इज थ्री डिग्री सेल्सियस ठीक है ये भी समझ में आ गया तो यहाँ का जो डेल्टा टी है वो इतना हो गया, ओके। okay. तो अब हमें क्या पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ़ वाटर जो है ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी इट इज फोर पॉइंट वन एट इंटू टेन टू द पावर थ्री जूल पर के जी पर केल्विन। उसी तरह स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरी मीटर जो है दैट इज 0.386 पॉइंट थ्री एट सिक्स इंटू टेन टू द पावर थ्री जूल पर केजी पर केल्विन ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी तो घबराने की कोई बात नहीं है ठीक है तो ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं तो अब हम क्या निकालेंगे यहां पर इस केस में हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाई कैलोरी मीटर प्लस वाटर तो ये क्या हो जाएगा ये भी एम एस डेल्टा टी ही होगा तो यहां पर ये हो जाएगा एम टू एम टू बोले तो क्या है जीरो पॉइंट टू फाइव के जी मास ऑफ वाटर तो यानी कि एम टू इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी प्लस एम थ्री इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर इंटू डेल्टा टी ठीक है अब ये वैल्यूज हमें पता है तो सारे वैल्यूज डाल देंगे पावर थ्री इंटू थ्री प्लस जीरो पॉइंट वन फोर इंटू जीरो पॉइंट थ्री एट सिक्स इंटू टेन टू द पावर थ्री इंटू थ्री ठीक है तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है अब हमने क्या बोला था कि ये जो वन और टू है ये दोनों बराबर होने चाहिए बिकॉज अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाई एल्यूमिनियम स्पेयर इतना था तो ये वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू अब हमें मिली है ये दोनों वैल्यू बराबर होने चाहिए ठीक है तो चलो इस वाले वैल्यू के साथ हम किसे इक्वेट कर देंगे इस वैल्यू को दैट इज 0.047 पॉइंट जीरो फोर सेवन इंटू एस एल इंटू तो अब देखो सब कुछ नॉन है सारे वैल्यूज हमें पता है तो हम आराम से सिर्फ कैलकुलेशन से एस ए एल निकाल लेंगे तो एस ए एल कम्स आउट टू बी 0.911 किलो जूल पर के जी पर केल्विन अब बच्चों यहाँ पर यूनिट्स जो है ना वो यूनिट्स वगैरह सब कुछ मैंने चेंज नहीं किया है सो यूनिट्स यू विल हैव टू चेंज तो उतना तो आप कर ही जैसे आंसर हमारा केल्विन में आया है तो जहां पर भी आपका सेल्सियस आ रहा है उनको आप केल्विन में चेंज कर लेना जहां पर जूल है किलो जूल में कर लेना के में कर लेना सो आई थिंक यू कैन टेक केयर ऑफ द यूनिट्स राइट तो आप यूनिट्स का टेक केयर कर लेना मैंने आपको स्टेप्स बता दिए कि किस अप्रोच से आपको इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना है इतनी देर से हम चीज़ों को गर्म करने की बातें किए जा रहे हैं कि इसको गर्म करते हैं इसको हीट करते हैं ये वो बट हमने क्या ये ध्यान दिया है कि जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते रहते करते रहते हैं करते रहते हैं कहीं ना कहीं जाके उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लेट सपोज मेरे पास बर्फ़ है बर्फ़ को मैं हीट कर रही हूँ हीट किए जा रही हूँ किए जा रही हूँ किए जा रही हूँ क्या होगा बर्फ से बन जाएगा पानी मैं तब भी उसको हीट किए जा रही हूँ किए जा रही हूँ किए जा रही हूँ पानी से बन जाएगा क्या वेपर तो बेसिकली इस पूरे हीट करने के प्रोसेस के दौरान मेरा जो बर्फ था वो सॉलिड स्टेट में था वो सॉलिड से लिक्विड बन गया वाटर बन गया वो लिक्विड से फिर वेपर बन गया वाटर वेपर बन गया राइट तो यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस में ट्रांजिट हो गया उसका तो इस तरह का ट्रांजिशन ऑफ वन स्टेट टू अनदर इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन जो प्रोसेस होता है सॉलिड से लिक्विड का ट्रांजिशन उसे हम कहते हैं मेल्टिंग जैसे कि बर्फ से पानी बर्फ मेल्ट होके पानी बनाता है तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं और इसका जो वैसा वर्षा प्रोसेस होता है यानी कि ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू तो सॉलिड उसे हम कहते हैं फ्यूजन तो चलो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड लिक्विड चेंज ऑफ स्टेट के बारे में तो जैसा कि आप देख ही रहे हो यहां पर फिर से है हमारा एक घरेलू सेटअप जहां पर बिटिया रानी के खिलौने काम आए हैं और यहां पर आपको दिख रहा है एक थर्मोमीटर उसमें आपको एक टेम्परेचर दिख रहा है और ये रहा अपना थर्मोमीटर का सेंसर ठीक है जिसे हमने डाल रखा है इस पतीले के अंदर जिसके अंदर क्या है जिसके अंदर बर्फ है आइस क्यूब्स है और नीचे से हम इसे हल्का हल्का हीट करते जा रहे हैं तो क्या होगा ये आइस क्यूब्स धीरे धीरे पिघलकर वाटर बनता जाएगा राइट तो जो इंटरेस्टिंग चीज हम हम यहां पर नोट कर रहे हैं वो ये है कि देखो हम तो यहां से इसे हीट कर रहे हैं राइट तो होना क्या चाहिए आइडियली हम सोचेंगे यार इस चीज इस जो ये मेरा सेटअप है जो सामान है इसके अंदर आइस क्यूब्स इनका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए क्योंकि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बट हो क्या रहा है हम देख रहे हैं अपने थर्मोमीटर पर कि जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है अब ये सोचने वाली बात है कि भाई हम इसे हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों है तो बेसिकली जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारा का सारा हीट यूज हो जा रहा है एक भी आइस क्यूब बचा रहेगा तब तक हमको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मिलेगा विच इज आइडियली जीरो डिग्री सेल्सियस बट यहां पर हमें जीरो ऐसा कुछ दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऐसा घरेलू सेटअप पे तो उसके अंदर थोड़े बहुत एरर्स आएंगे ही और वैसे भी जब हम लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटल एरर्स तो आते ही हैं राइट अब होगा ये कि जब ये सारा का सारा आइस जो है वो जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद भी अगर हम इसे हीट करते रहेंगे तब हम क्या नोटिस करेंगे इंक्रीज इन टेंपरेचर तो बच्चों अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो बर्फ है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है पानी में वाटर में लेकिन हम तो इसे अभी भी हीट करते चले जा रहे हैं बट अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि अब जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा था उस समय पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था और उस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को ही हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड लिक्विड चेंज ऑफ स्टेट ठीक है मतलब सॉलिड से लिक्विड का जो चेंज ऑफ स्टेट हो हो रहा रहा है 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 उस समय क्या हो रहा है? ठीक है? इसके लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी करके देख सकते हैं एक कंटेनर में हम कुछ आइस क्यूब्स ले, ले लेते हैं और उसे हम हीट करते हैं ठीक है और इनका हम टेम्परेचर नोट करते रहेंगे कि टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है ठीक है अब बीच बीच में हम उसे हिलाते भी रहेंगे जो आइस क्यूब्स हैं क्योंकि हम क्या करेंगे जैसे ही इसे हीट करेंगे हम तो वो आइस जो है क्या होने लगेगा पानी में कन्वर्ट होने लगेगा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा तो हम उसे कंटिन्यूसली स्टीयर करते रहेंगे बीच बीच में और उसका टेम्परेचर नोट करते रहेंगे जो मज़ेदार चीज़ हम नोट करेंगे वो ये है कि जब तक ये सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन चल रहा है तब तक टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है हालांकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं राइट right. लेकिन जैसे ही सारा का सारा आइस जो है वो पूरी तरह लिक्विड में पूरी तरह वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद भी जब हम इसे हीट करते रहेंगे तो हम उसके टेम्परेचर में इंक्रीज को नोट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हीट हमने प्रोवाइड किया वो हीट गया कहाँ जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ तो, तो बेसिकली वो सारा का सारा हीट यूज़ हो गया इन चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ठीक है और ये जो चेंज ऑफ स्टेट हुआ इस दौरान जो टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहा उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट सो इन ए वे हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट कर रहे थे साथ में एग्जिस्ट कर रहे थे इन थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड तो सॉलिड से लिक्विड के चेंज ऑफ स्टेट के दौरान सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे थे इन इक्विलिब्रियम मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एक तो प्रेशर और दूसरा नेचर ऑफ द सब्स इसलिए अलग-अलग चीजों का अलग-अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज वन एटमॉस्फेयर तो उसे आमतौर पर हम कहते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट चलो बच्चों अब ऑन सिमिलर लाइंस डिस्कस करते हैं हम लिक्विड वेपर का चेंज ऑफ स्टेट ठीक है तो लिक्विड से वेपर का जो ट्रांजिशन है उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन ठीक है अब मान लो आपके पास पानी है और आप पानी को क्या कर रहे हो हीट कर रहे हो गर्म कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो तो क्या हो रहा है टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ 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 रहा 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 है 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 जैसे ही टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है आप नोटिस करोगे कि उसके बाद जो है ना टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है क्यों क्या हो रहा है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे आपका जो पानी जो कि लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होने लग रहा है तो जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो सारा का सारा हीट जो है वो लिक्विड से वेपर में ट्रांसफर करने में यूज हो जा रहा है सो देर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट तो यहां पर भी हम क्या देखते हैं कि लिक्विड वेपर का जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो इस चेंज ऑफ स्टेट के दौरान जो मेरा लिक्विड स्टेट है और जो मेरा वेपर स्टेट है वो को एग्जिस्ट करते हैं एट थर्मल इक्विलिब्रियम यही टेम्परेचर जहां पर मेरा लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट को एग्जिस्ट करता है साथ में एग्जिस्ट करता है इसी टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट जिसे आम भाषा में हम ये कहते हैं कि ये वो वाला टेम्परेचर है जहाँ पर मेरा लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो रहा है एंड दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पे डिपेंड करता है एक तो प्रेशर और दूसरा नेचर ऑफ द सब्सटेंस क्योंकि हर सब्सटेंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है ठीक है प्रेशर पे अगर इसकी डिपेंडेंसी देखें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जैसे जैसे प्रेशर घटता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर की विच इज़ वन एटमोस्फेयर तो स्टैंडर्ड एटमोस्फेयरिक प्रेशर पर किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे हम आमतौर पर कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अरे यार हमने सॉलिड टू लिक्विड का चेंज ऑफ स्टेट डिस्कस किया लिक्विड टू वेपर का भी डिस्कस किया एक और चेंज ऑफ स्टेट होता है विच इज सॉलिड टू वेपर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप हीट करो तो वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट पे जाते ही नहीं है वो सीधा चले जाते हैं वेपर स्टेट में जैसे कि द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन गिव यू जो हमारी डे टू डे लाइफ से लिंक्ड है इज बॉल्स आई एम आपके घर में आपने बॉल्स तो देखा ही होगा हम जनरली कपड़ों की अलमीरा वगैरह में रखते हैं उसे सो दैट इंसेक्ट्स वगैरह ना आए क्योंकि उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है तो जो नैप्थली बॉल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे वो सारे गायब हो जाते हैं वहां से राइट right? क्या होता है वो सारे वेपोराइज हो जाते हैं करेक्ट तो यहां पर सॉलिड टू वेपर के ट्रांजिशन में भी हम देखते हैं कि जो सॉलिड स्टेट है और जो वेपर स्टेट है ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम जस्ट लाइक द लिक्विड वेपर ट्रांजिशन एंड द सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन इनफैक्ट नैप्थलिन बॉल के अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है कि सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट से सीधा वेपर स्टेट में चला जा रहा है फॉर एग्जाम्पल ड्राई आइस फॉर एग्जाम्पल आयोडीन और इस प्रोसेस को ये जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन तो अब हम एक छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट देखो हमने बात करी सॉलिड और लिक्विड फेज साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं राइट right? तो उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड और वेपर साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ट्रिपल पॉइंट ट्रिपल मतलब तीन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सॉलिड लिक्विड और वेपर ये तीनों फेजेस साथ में को कर रहे हैं इन इक्विलिब्रियम वाह ऐसा भी पॉसिबल है कि सॉलिड लिक्विड और वेपर तीनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे बिल्कुल पॉसिबल है तो ये जो ट्रिपल पॉइंट जो नाम है यह पहली बार नाम दिया था जेम्स थॉम्सन ने इन एटीन सेवनटी थ्री तो ट्रिपल पॉइंट को विजुअलाइज करने का सबसे आसान तरीका है ग्राफ ठीक है तो अगर हम प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जो प्रेशर टेम्परेचर का पूरा प्लेन है ना उस प्लेन को हम तीन रीजन में डिवाइड कर लेते हैं मतलब हम करते नहीं है पर्पसली बट जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि वो प्लेन ऑटोमेटिकली तीन सेक्शन में डिवाइड हो जा रहा है और वो तीन सेक्शन क्या क्या है सॉलिड रीजन लिक्विड रीजन वेपर रीजन आप देखोगे कि सॉलिड रीजन और लिक्विड रीजन के बीच में एक कर्व बन जाता है जिसे हम कहते हैं फ्यूजन कर्व लिक्विड रीजन वेपर रीजन के बीच में एक कर्व बन जाता है जिसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन कर्व सॉलिड रीजन और वेपर रीजन के बीच में से भी एक कर्व बन जाता है जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन कर्व और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये नोटिस करते हैं कि ये जो तीनों कर्व्स हैं ये एक पॉइंट पर मीट करते हैं यानी कि वो जो एक पॉइंट है वहां पर सॉलिड लिक्विड और वेपर फेज तीनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दैट पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट और इस तरह का जो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इसे हम फेजर डायग्राम भी कहते हैं तो बच्चों हमने क्या देखा कि कोई भी सब्सटेंस का अगर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है अगर वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर मतलब अगर उसका स्टेट चेंज हो रहा है इसका मतलब है या तो वो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है या फिर वो हीट रिलीज कर रहा है तभी उसका चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है ठीक है तो यही पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट ये लेटेंट हीट क्या होता है सो लेटेंट हीट बेसिकली होता है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट जो कोई भी सब्सटेंस या तो एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रिलीज कर रहा है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट मतलब अगर बर्फ है बर्फ कुछ हीट ले करके वो क्या हो रहा है पानी में कन्वर्ट हो रहा है अगर पानी को बर्फ में कन्वर्ट होना है तो वो कुछ हीट दे करके बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है राइट तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट जितना कोई भी सब्सटेंस ले रहा है या दे रहा है अपना स्टेट चेंज करने के लिए इस हीट को पर यूनिट मास हम डिफाइन करते हैं एज लेटेंट हीट ठीक है तो लेटेंट हीट को हम हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसा हीट है जो स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर देता है इसीलिए इसका दूसरा नाम है हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल एल से लेटेंट हीट है सो एल से तो मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं एल इज इक्वल टू क्यू बाई एम क्यू इज हीट हीट एब्सॉर्ब या हीट रिलीज पर यूनिट मास तो अब आप बताओ इसका ऐसा SI यूनिट क्या होना चाहिए हीट का होता है जूल मास का होता है केजी तो ऐसा SI यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी लेटेंट हीट जो है इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस मतलब अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग लेटेंट हीट की वैल्यूज होती हैं तो अब लेटेंट हीट के अंदर भी दो कैटेगराइजेशन आ जाती है एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आई एम श्योर कि मुझे इन्हें बहुत ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि नाम जो है ना वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्यूजन मतलब कौन से दो स्टेट के बीच का चेंज सॉलिड और लिक्विड तो अगर सॉलिड लिक्विड का स्टेट चेंज है तो उस वाले लेटेंट हीट को हम स्पेसिफिकली कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एल से ही बट उसमें हम एक सब्सक्रिप्ट लगा देते हैं एफ सो लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है उसी तरीके से अगर जो मेरा चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है वो लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में हो रहा है लिक्विड वेपर का अगर चेंज ऑफ स्टेट है तो उस लेटेंट हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ ऑफराइजेशन डिनोट करते हैं कैपिटल एल विद सब्सक्रिप्ट वी सिंपल ठीक है तो देखो अभी तक हमने जो भी चीजें सीखी अबाउट चेंज ऑफ स्टेट तो उसका अगर मुझे एक जिस्ट बनाना हो अगर एक समरी बनाना हो तो शायद वो समरी मुझे ये ग्राफ बता रहा है राइट ये ग्राफ किसके किसके बीच में है टेम्परेचर और हीट के बीच में है राइट right? और ये ग्राफ स्पेसिफिकली हमने बना रखा है फॉर वाटर। हम क्या देख रहे हैं देखो जैसे जैसे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है क्या हो रहा है उस टाइम पर जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो तो बढ़ रहा है बट वो जो हीट है दैट इज यूज फॉर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और इस वाले टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट उसके बाद एक बार वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद जब हम हीट सप्लाई किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ 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 रहा 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 है 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 फिर ये एक ऐसे पॉइंट पर आ रहा है जहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जा रहा है लेकिन हीट तो हम सप्लाई कर रहे हैं अब ये हीट किस चीज में यूज हो रहा है लिक्विड टू वेपर के कन्वर्जन में है ना तो और इस वाले टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एबसोल्यूटली तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमें पूरे चेंज ऑफ स्टेट की कहानी बता रही है और इस ग्राफ को देख करके आपको लेटेंट हीट का भी समझ में आ रहा है लेटेंट हीट क्या है जितना हीट पर यूनिट मास हमें चाहिए हो रहा है स्टेट को चेंज करने में, लाइक तो फ्यूजन लिक्विड वेपर की बात करेंगे तो वेपोराइजेशन तो, तो यार लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट एकाध न्यूमेरिकल्स देखना तो बनता है तो चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 पॉइंट इज हीटेड इन अ फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस एंड देन प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक ठीक है तो लिखते चलेंगे साथ साथ कि क्या क्या दिया हुआ है मास दिया हुआ है 2.5 पॉइंट फाइव के जीज विच इज टू फाइव ग्राम्स और क्या दिया हुआ है टेम्परेचर दिया हुआ है इसको हमने कितना हीट किया डेल्टा टी 500 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट कर दिया उसके बाद इसको एक आइस ब्लॉक के ऊपर रख दिया व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट ठीक है ओके चलो देखें कुछ कुछ दी हुई भी है वैल्यूज जैसे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया हुआ है 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन और क्या दिया हुआ है हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 335 जूल पर ग्राम ठीक है तो अब यहां पर ऐसे देखो कि ये जो कॉपर का ब्लॉक है जब हम इसे आइस के ऊपर रख देंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितना मैक्सिमम हीट ये जो कॉपर का ब्लॉक है जो ऑलरेडी हीटेड है ये कितना हीट लूज कर सकता है क्योंकि जो हीट कॉपर का ब्लॉक लूज करेगा उसी हीट को यूज करके तो आइस मेल्ट होगा राइट सो मैक्सिमम हीट कॉपर ब्लॉक कैन लूज वो हीट कितना होगा लेट से हम उसे क्यू से डिनोट करते हैं तो वो हो जाएगा एम एस डेल्टा टी ठीक है तो मास ऑफ द ब्लॉक कितना है टू फाइव जीरो जीरो एस की वैल्यू कितनी है कॉपर के स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री नाइन और डेल्टा टी कितना है फाइव हंड्रेड ठीक है तो इस तरीके से हम यहां से क्यू निकाल सकते हैं फोर एट सेवन फाइव जीरो जीरो जूल्स ठीक है तो ये हो जाएगा ये कितना हीट है इतना हीट मैक्सिमम ये कॉपर का ब्लॉक लूज कर सकता है ठीक है अब लेट अस सपोज कि अमाउंट ऑफ आइस दैट मेल्ट वेन द कॉपर ब्लॉक इज प्लेस्ड मतलब इतना एम वन अमाउंट ऑफ आइस जो है ये मेल्ट हो रहा है जब हम कॉपर ब्लॉक को उसके ऊपर प्लेस कर दे रहे हैं ठीक है सो इन दैट केस हीट गेंड ऑब्वियसली ये मेल्ट हो रहा है इसका मतलब जो आइस है वो हीट गेन कर रहा है सो हीट गेन्ड बाय मेल्टेड आइस कितना हो जाएगा लेट से इसे भी हम क्यू से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा एम वन इंटू एल ठीक है यहां पर एम वन क्या है अमाउंट ऑफ आइस दैट मेल्ट जितना आइस मेल्ट हो रहा है वो एम वन इंटू एल करेक्ट क्योंकि क्यू क्या है क्यू तो वही वाला क्यू है ना जितना क्यू कॉपर ब्लॉक देगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि M1 क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई L. सो इट इज लाइक लेटर से आपका आइस ब्लॉक है ठीक है अब इसके ऊपर हमने एक का ब्लॉक रख दिया तो कॉपर का ब्लॉक जो हीट देगा वही हीट लेकर के ये जो आइस है ये मेल्ट होगा तो सबसे पहले हमने निकाल लिया कि यार ये कॉपर का ब्लॉक मैक्सिमम कितना हीट दे सकता है यार ये इतना हीट दे सकता है ठीक है तो इतना पूरा का पूरा हीट अगर आइस ले लेता है तो वो कितना मास आइस का मेल्ट होगा तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हीट का यूज करेंगे क्योंकि वहां पर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है राइट तो हम कहेंगे इतना हीट यूज कर लिया सो दिस इज इक्वल टू एम वन इन टू एल तो कितना मास यूज करेगा इतने हीट को राइट right? सबको समझ में आ आगे इतना मुश्किल नहीं था सो क्यू विल बी फोर एट सेवन फाइव जीरो जीरो डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू दी हुई है थ्री थर्टी फाइव तो इसको थ्री थर्टी फाइव डाल देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आंसर वन पॉइंट फोर फाइव के जी बच्चों में फिर से कह रही हूं कि कैलकुलेशन आप खुद से फोकस करना यूनिट्स के चेंज या कैलकुलेशंस या आप खुद से करके देख लेना क्योंकि यूनिट चेंज वगैरह ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता ही होती हैं राइट right? बच्चों वाली चीजें हैं सो आई आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू चेंजिंग हर एक यूनिट को और हर एक कैलकुलेशन का स्टेप मैं दिखाऊं ठीक है सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच तो आप देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान होता है तो बच्चा लोग अब हम लोग आ पहुंचे हैं इस लेसन के आखिरी टॉपिक पर विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो यार नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा लॉ है जो किसी भी सब्सटेंस के कूलिंग के बारे में कुछ बताने वाला है एक बात बताओ कोई भी सब्सटेंस कूल कब होता है कोई ठंडा कब होता है जब वो हीट लूज करेगा अगर मैं पूछूं कि किसी सब्सटेंस का रेट ऑफ कूलिंग क्या है मतलब वो कितनी तेजी से ठंडा हो रहा है इसका मतलब मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही हूं कि वो कितनी तेजी से हीट लूज कर रहा है राइट right? तो बेसिकली रेट ऑफ कूलिंग का मतलब है रेट ऑफ हीट लॉस रेट ऑफ हीट लॉस को हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली माइनस डी क्यू बाई डी टी क्यू तो हम हीट के लिए यूज ही करते हैं डी क्यू बाई डी टी मतलब रेट ऑफ हीट ठीक है माइनस क्यों क्योंकि यहां लॉस हो रहा है हीट का मैं लूज कर रही हूं सामान तो नेगेटिव होगा ना भाई तो माइनस डी क्यू बाई डी टी क्या है रेट ऑफ हीट लॉस अब ये न्यूटन का जो ये लॉ ऑफ कूलिंग है ये हमें ये कहता है कि ये जो रेट ऑफ हीट लॉस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स लेट अस सपोज कि ये मेरा कोई बॉडी है ठीक है ये बॉडी हीट लूज कर रहा है ठीक है मतलब इसमें अगर गरम चाय रखी हुई है तो ये ठंडा हो जाता है अगर आप इसे टेबल पे छोड़ देते हो बहुत देर तक तो क्या होता है ये ठंडा हो जाता है ठंडा क्यों होता है ये कूल क्यों हो रहा है क्योंकि ये हीट लूज़ कर रहा है हीट लूज़ क्यों कर रहा है क्योंकि इसके और सराउंडिंग्स के टेम्परेचर में डिफरेंस है ठीक है तो न्यूटन का ये लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि इसका जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा दैट इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग तो अगर बॉडी का टेम्परेचर T2 है सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 है तो T2 टू माइनस से डिरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस डी क्यू बाई डी टी एंड दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लेकिन इतना काफी नहीं है इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली डेप्थ में देखना पड़ेगा क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो चलो देखें तो चलो न्यूटन मैथमेटिकली देखते हैं ठीक है तो जो रेट ऑफ हीट लॉस है यानी कि माइनस डी क्यू बाई डी टी ये किसके प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन टेम्परेचर के ठीक है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी Is equal to K, जो कि एक कांस्टेंट है इनटू डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर इतना तो ये तो हमारा डेफिनेशन ही हो गया जिसे मैंने मैथमेटिकली लिख दिया अब लेटर सपोज हम बात करते हैं थोड़ा सा और इसको एडवांस में देखते हैं लेटर सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है एम और जिसका स्पेसिफिक हीट है एस ठीक है और लेटर सपोज की ये जो बॉडी है दिस इज एट टेम्परेचर टी टू ये टी टू टेम्परेचर पर है ठीक है और हमें यह पता है कि surroundings का जो सराउंडचर है so, बच्चों इसको ध्यान से देखना क्योंकि कई बार इस, ये जो अभी मैं बता रही हूं, uh, derivation, शायद derivation आपको कभी पूछा नहीं जाएगा डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं ठीक है तो एक बॉडी है जिसका मास एम है उसकी स्पेसिफिक टी टू पे है और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 है ठीक है तो ऐसे केस में जो हीट होगा हीट ट्रांसफर डी क्यू दैट विल बी एम s एस इंटू टी टू है राइट right? क्योंकि बॉडी किस टेम्परेचर पे है टी टू में है तो उस टी टू से जो भी हल्का सा डी टी टू जो भी हल्का सा चेंज इन टेम्परेचर है वो वाला टेम्परेचर तो इसे हम क्या लिख सकते हैं यहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काफी का यूज रहेगा डी क्यू बाई डी टी को हम लिख सकते हैं एम एस डी टी टू बाई डी टी ये स्मॉल टी क्या है हम इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं एम एस डी टी टू बाई डी टी इज इक्वल टू अब देखो डी क्यू बाई डी टी को यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं माइनस के टी टू माइनस टी वन करेक्ट ये लिख सकते हैं हम अब इसे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं डी टी टू डिवाइडेड बाय ये डी क्या है चेंज इन टेम्परेचर है राइट right? तो अब डी तो है इसको हम इधर भेज देंगे और ये टी टू माइनस टी वन को हम इधर ले आएंगे तो इसे हम लिखेंगे टी टू माइनस टी वन और इधर हम ले जाएंगे माइनस के बाई एम एस डी ठीक है अब इस के बाई एम एस को इस पूरे के बाई एम एस को ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज है इसको मैंने ना एक कैपिटल के से डिनोट कर दिया ठीक है जस्ट फॉर इजियर कैलकुलेशन ठीक है इसको मैंने के बाई एम एस को मैंने कैपिटल के से डिनोट कर दिया अब हम क्या करेंगे अब हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड पर है डी टी टू बाई टी टू माइनस टी वन और राइट हैंड साइड पर है माइनस के डी टी ठीक है दोनों तरफ कर देंगे हम इंटीग्रेट ठीक है जब हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन तो बच्चों को आता ही है तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई टी टू माइनस टी वन और इधर हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी जिन बच्चों को इंटीग्रेशन बेसिक्स नहीं आते हैं वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बेसिक्स वाला वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लर्नो हब हाँ, ठीक है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं टी टू इज इक्वल टू अब देखो टी टू टी वन के टर्म्स में देना है तो लॉग ई e को जैसे ही इधर लाओगे तो वो ई टू द पावर हो जाएगा ये सब मैथमेटिक्स भी आती ही है अब तक तो है कि नहीं तो ये क्या हो जाएगा चलो इसको भी देख लेते हैं अगर कंफ्यूजन है तो टी टू माइनस टी वन इधर क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के टी राइट तो हम लिख सकते हैं टी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस सी डैश ई टू द पावर माइनस के टी ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन जो देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वाला जो टी है ना ये टी आपको क्या बता रहा है टाइम ऑफ कूलिंग क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज ऑल अबाउट कि कैसे एक सिस्टम एक बॉडी जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है बट उसका सराउंडिंग एक अलग टेम्परेचर पे है किस तरीके से वो बॉडी क्या उसकी रेट ऑफ कूलिंग है कितनी तेजी से या कितने धीरे धीरे वो कूल cool हो रहा है तो ये जो स्मॉल टी है दिस टेल्स यू द टाइम ऑफ कूलिंग ठीक है तो ये आपने सब कुछ देख लिया तो कई बार आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि भाई ये टी टू टी वन मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यूज दे दी हुई होंगी इनफैक्ट टीवेंटी टू यहाँ क्या है सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर ये दिया हुआ हो आपको स्पेसिफिक हीट दिया हुआ हो मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ हो आपको टाइम ऑफ कूलिंग पूछ लिया जाए या फिर टाइम ऑफ कूलिंग दिया हुआ हो कुछ और पूछ लिया जाए सो बेसिकली दिस रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट तो बच पार्टी विद दिस हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड पे एंड मुझे उम्मीद है कि विद दिस वन शॉट वीडियो आपके कॉन्सेप्ट्स ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर और इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको अटेम्प्ट करने हैं खूब सारे न्यूमेरिकल्स एंड डू नॉट वरी थोड़े टाइम पर हम एक और सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एवरी चैप्टर तब तक के लिए कीप लर्निंग एंजॉय लर्निंग और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ अगले वन शॉर्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय